राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई अगर आपके पास कार है तो अपने कार में डैश कैम जरूर से जरूर लगवाएं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहो तो वहां से परचेज कर सकते हो। भाई ये है इग्निस कार जो हमारे पास 3 साल से ऑलमोस्ट है। अब देखो मैं ना इसका पॉजिटिव ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इनफैक्ट मैं आपको सिंपल और बता कि भाई 7.5 लाख रुपए में आज भी 2024 में ये बहुत ही अच्छी कार है एक फैमिली के लिए, एक छोटी से फैमिली के लिए। फॉर एग्जांपल कि कोई बस शहर में घूमना चाहता है, हाईवे पे भी जाना चाहता है, उसको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है, बस एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपको एकदम टेंशन फ्री हो, तो आप 100% ले सकते हो बिना सोचे समझे। ऊपर से मारुति का है तो आप समझ ही सकते हो। एनीवेज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में कि कुछ ना इसमें बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, मतलब बेसिकली हम जैसे लोगों को दिक्कत लगती है। सबसे पहला चीज़ कि पीछे जो इसको सीट है ना वो एकदम ना थोड़ा सा और बेंड होना चाहिए, मतलब रियर सीट कंफर्ट में सिंपल लैंग्वेज बताऊँ वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे इस सेगमेंट की कार में, थोड़ा सा इसका सीट अगर पीछे तरफ और होता, बेंड होता, तो ज़्यादा कंफर्ट ये प्रोवाइड करता। ठीक है, बट इसका सोल्यूशन है कि आप इसके ऊपर एक अच्छा सा सीट कवर लगा लो जिसमें थाई सपोर्ट मिले, मतलब सीट बनवा लो 5,000-10,000 में बन जाएगा तो वो करवा सकते हो, बट वो अपनी अपनी चॉइस है। एंड ये भी जो है कि भाई पीछे का जो सीट कंफर्ट है ये भी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको भी कंफर्ट का ये इशू आए। ठीक है, दूसरा रियर एसी वेंट आज भी नहीं आता है 7.5 लाख रुपीज़ के अंदर। देखो गाड़ी छोटी है, ठंड से एसी तो आपको पता ही है कि मॉडल का जबरदस्त होता है, लेकिन भाई रियर एसी वेंट होता तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, इसके बाद एक इशू इसका आता है वो है इसका हेडलाइट। देखो अब इसका हेडलाइट ना बहुत ही कम रोशनी देता है। वैसे इंडिया में आजकल हर जगह रोड बन गई है एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आजकल हर हाईवे एक्सप्रेसवे सिटी में आपको लाइट मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कभी जब मैं इसको ड्राइव करता हूँ तो मुझे मालूम चलता है कि भाई इसका लाइट का थ्रो कम है। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहो तो इसमें LED लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल येलो बल्ब भी ज़्यादा पावरफुल लगा सकते हो, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। बट मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ। एंड और अगर आप मेरे से पूछोगे इसके बारे में कुछ तो भाई मुझे इसमें कोई ज़्यादा इशू दिखता नहीं, क्योंकि भाई ये इग्निस का जेटा वेरिएंट है एंड भाई फुल्ली लोडेड आता है। बस आपको कैमरा लगाना पड़ेगा जो 3,000-4,000 रुपये के शोरूम से ही मिल जाएगा और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसका अल्फा वेरियंट भी खरीद सकते हो। तो भाई अगर आप इग्निस खरीदने चाहते हो या इग्निस आपके पास ऑलरेडी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए भाई आपका रिव्यू कैसा है, क्योंकि बहुत लोग ना इग्निस को बहुत ट्रोल करते हैं कि अच्छा नहीं है ये वो दिस दैट। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि भाई कैसी कार है ये। ओके, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।